आपने कभी डिजिटल कंडोम के बारे में सुना है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जर्मन ब्रांड बिली बॉय ने इनोसियन बर्लिन के साथ मिलकर एक ऐप कंडोम जो है वो बनाया है, जो आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने में मदद करता है। आपको पता होगा कि आज के इस डिजिटल युग में प्राइवेसी एक बड़ी चिंता है, और ये जो ऐप बनाया गया है ये सॉल्यूशन है जिसकी आप सभी को ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ये जो ऐप है ये है क्या, और ये किस तरीके से जो है वो सुरक्षा करता है लोगों की। तो देखिए, ये जो कंडोम ऐप है ये डिजिटल सुरक्षा के रूप में देखा जा सकता है। इसमें होता क्या है, तो ये आपके फ़ोन के कैमरे और माइक्रोफोन को ब्लॉक कर देता है, ताकि बिना आपकी अनुमति के कोई रिकॉर्डिंग जो है वो ना कर सके। देखिए, आपको पता होगा कि आजकल ऐसे कई ऐप्स आ गए हैं जो कि स्क्रीन रिकॉर्ड जो है वो करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके फ़ोन की या लैपटॉप की जो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। तो यही जो ऐप बनाया गया है ये सॉल्यूशन है उसका, ताकि आपकी जो प्राइवेसी है उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। तो भाई, ये जो कंडोम है ना, ये ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करता है और आपके फ़ोन के आसपास एक सुरक्षा घेरे का निर्माण कर देता है, जो अन्य डिवाइस के रिकॉर्डिंग फंक्शन को निष्क्रिय कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास कॉल आता है और वहाँ पर आपको एक मैसेज बताया जाता है पहले ही कि आपका जो फ़ोन है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत जो है वह फ़ोन को कट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो ऐप बनाया गया है ये एक तरीके से ब्लूटूथ का इस्तेमाल करेगा, और आसपास अगर आपके पास कोई डिवाइस भी है तो उसको अपने आप ये क्या कर देगा भाई, स्विच ऑफ जो है वो कर देगा। तो आपकी प्राइवेसी जो है वो उस समय भंग नहीं होगी। अब देखिए, बात करते हैं कि ये जो ऐप है ये क्या इसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि नहीं, ये ऐप का उपयोग करना काफ़ी आसान है। बस आपको फ़ोन पर इस ऐप को डाउनलोड करना है और आपके फ़ोन को दूसरे व्यक्ति के फ़ोन के पास जो है वो ले जाना है, और ऐप के वर्चुअल बटन को नीचे की ओर से स्वाइप करना है। जैसे ही ये सक्रिय होगा आपके फ़ोन की प्राइवेसी जो है वो सुरक्षित हो जाएगी। अगर कोई इसे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश भी करेगा तो एक अलार्म बज जाएगा जो आपको तुरंत जो है वो सतर्क कर देगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो ऐप है ये क्यों बनाया गया है। कंडोम जो ऐप है एक गंभीर समस्या के समाधान के रूप में विकसित किया गया है। खासकर आपको पता होगा कि युवाओं के बीच बिना अनुमति के फोटो, वीडियो या ऑडियो लेने की समस्या बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो ऐप है एक सॉल्यूशन का ही जो है वो काम करेगा। अब देखिए, अगर कुछ भी, चाहे वो फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो या ऑडियो हो, किसी वेबसाइट पर अगर शेयर हो जाते हैं तो उसे नियंत्रित करना लगभग एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है। अनाधिकृत रिकॉर्डिंग से मानसिक तनाव होता है, नौकरी में समस्या होती है, यहाँ तक कि कई गंभीर समस्याओं का, जो मानसिक समस्याएं हैं उनका युवा जो है वो सामना करते हैं। तो ये जो ऐप है ना, उनकी प्राइवेसी को तो बरकरार रखेगा ही, ताकि साथ ही साथ ये जो सब चीज़ें हैं उनसे भी जो है वो युवाओं को बचाएगा। अभी जो कंडोम के निर्माता हैं ये जानते हैं कि बिना अनुमति के किसी की खींची गई तस्वीरें और वीडियो को शेयर करना जो है वो गलत है, और किस प्रकार से मानसिक रूप से ये लोगों को जो है वो परेशान कर सकती है। ये जो ऐप है इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत सीमाओं पर नियंत्रण देना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ऐप है ये कैसे काम करता है। तो देखिए, कंडोम ब्लूटूथ के जरिए एक रिकॉर्डिंग फ्री जोन बनाता है। जब आप इस ऐप को एक्टिव करते हैं तो ये आसपास के सभी डिवाइसेस के कैमरे और माइक्रोफोन को ब्लॉक कर देता है। अब मैं आपको कुछ स्टेप बता देती हूँ कि कैसे जो है ये काम करेगा। तो सबसे पहले आपको ऐप को जो है वो ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना है, फिर डाउनलोड करना है, फिर आपको आपके फ़ोन को जो है वह दूसरे व्यक्ति के डिवाइस के पास जो है वो ले जाना है, और ऐप के वर्चुअल बटन को स्वाइप करना है, और आपके डिवाइस का कैमरा और माइक्रोफोन जो है वो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई इसे डिसेबल करने की कोशिश भी करेगा तो फ़ोन को दूर ले जाने की
ले जाने की अगर वो कोशिश पे करेगा तो तुरंत ही अलार्म बजेगा जो संभावित खतरे के बारे में तुरंत जो है वो सूचित कर देगा। अब हम इसकी विशेषता को सादगी के साथ जो है वो समझते हैं कि इसकी जो विशेषता है और ये जो खास फीचर्स इसमें है वो क्या क्या है। तो सबसे बड़ा खास फीचर इसमें है मल्टी डिवाइस प्रोटेक्शन का। कॉन्डम एक ही समय में कई डिवाइसेस को ब्लॉक कर सकता है। तो देखिए भाई, अगर आपके आसपास कई डिवाइसेस हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही फ़ोन को जो है वो ब्लॉक करेगा या कैमरा आपका डिवाइस है उसको ब्लॉक करेगा, नहीं, एक ही टाइम पर ही कई डिवाइसेस को जो है वो ब्लॉक कर देगा, जिसमें आपका माइक्रोफोन भी होगा, डिफरेंट कैमरास भी होंगे, साथ ही साथ डिफरेंट मोबाइल्स भी होंगे और माइक्रोफोन्स भी जो है वो होंगे। तो एक साथ ही कई डिवाइसेस को जो है वो ब्लॉक कर सकता है। दूसरा है अलार्म नोटिफिकेशन। अगर कोई ब्लॉक को बाईपास करने की कोशिश करता है तो तुरंत अलार्म बज जाता है। जैसे कि अगर कोई फ़ोन को दूर ले जा रहा है ना, या ब्लॉक को कोशिश कर रहा है कि भाई ये बाईपास हो जाए, तो उसी टाइम क्या बजेगा भाई, अलर्ट कर देगा आपको कि भाई कोई ऐसी कोशिश कर रहा है और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तीसरा, यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन। देखिए भाई, ये जो बनाया गया है ना ऐप, ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि काफ़ी इजी तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बस आपको फ़ोन को पास ले जाना है और स्वाइप करना है और बस हो गया। तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली जो है वो इस ऐप को बनाया गया है। अब हम इस ऐप के व्यापक लाभ को जो है वो जानते हैं। कैमडॉम की यह अप्रोच क्रांतिकारी है, क्योंकि ये पावर को फिर से यूज़र के हाथों में डाल देता है। ऐसे दौर में जब प्राइवेसी आसानी से खतरे में पड़ सकती है, ये ऐप लोगों को अपनी निजी पलों का बिना किसी फिजिकल सुरक्षा के सुरक्षित रखने की अनुमति देता है। सोचिए, इसके उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत जगहों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे इवेंट्स, मीटिंग्स या किसी भी स्थिति में भी उपयोगी भी जो है ये हो सकता है, ताकि आपकी जो गोपनीयता है वह क्या है भाई, बनी रहे। जैसे फॉर एग्जांपल सिनेमा हॉल्स हो गए, मीटिंग्स हो गई, है ना, विभिन्न इवेंट्स में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये गोपनीयता जो है वो बरकरार रखता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो कैमडॉम ऐप बनाया गया है ये कितना सुरक्षित है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इस ऐप में विभिन्न सिक्योरिटी फीचर्स को शामिल किया गया है, ताकि कोई छेड़छाड़ जो है वह इससे ना कर सके। साथ ही साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई ब्लॉक को बाईपास करने की कोशिश करेगा तो एक अलार्म जो है वो बज जाएगा, जिससे व्यक्ति जो है वो तुरंत सतर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो ऐप बनाया गया है कैमडॉम, ये निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित भी है, साथ ही साथ जो प्राइवेट अनुभव है उसकी दिशा में एक बड़ा कदम भी है। ये जो ऐप है ये अब 30 से अधिक देशों में उपलब्ध है, और साथ ही साथ इसकी वर्ल्ड वाइड जो डिमांड है वह भी काफ़ी बढ़ रही है, तो ये और भी देशों में जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊं तो ये जो ऐप बनाया गया है एक तरीके से डिजिटल सुरक्षा के रूप में जो है वो बनाया गया है, जो कि युवाओं के लिए या कहना चाहिए जो लोगों की प्राइवेसी है उसके लिए जो है वो काफ़ी लाभदायक या इम्पॉर्टेंट जो है वो साबित होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आपकी इस पर क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस प्रकार की ऐप के बारे में आप पहले से जानते थे या मार्केट में इससे पहले भी कोई ऐप था, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।